सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संबल पहुंचे। सफीकुर रहमान बर्क के आवास पर पहुंचे अखिलेश, सफीकुर रहमान बर्क के परिजनों से किए मुलाकात। सफीकुर रहमान बर्क के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त किया। सफीकुर रहमान बर्क साहब पार्टी के प्रति हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे। उनके न रहने पर न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि उनके लाखों साथी दुखी है। सफीकुर रहमान बर्क साहब पार्टी के प्रति हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे। उनके न रहने पर न केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को दुख है बल्कि उनके लाखों लाख साथी, सहयोगी, मददगार, परिवार के लोग बहुत दुखी रहे। इंसान के जीवन में सबसे बड़ी बात है पहचान और सम्मान। उनके ना रहने पर जिस तरीके से जनता ने सम्मान दिया है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है सम्मान। जीवन भर जिसने सेवा की हो, मदद की हो, तभी इसी तरह का प्यार मिल सकता है और सम्मान के साथ जनता आ सकती है। वो उस कड़ी और उस पीढ़ी के नेता थे जो कभी कोई बात छिपाते नहीं थे। अपनी राय, अपना सुझाव या अपना तर्क बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे। कई मौके आए जब उन्होंने अपने लोगों की बात रखी, हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आई हो, लेकिन कम से कम वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लोगों की बात बहुत सफाई से रखते थे। वो कभी कौन नाराज होगा, कौन क्या सोचेगा, इसके बारे में कम सोचते थे, बल्कि जो बात सही होती थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। लोकसभा में मैंने उनको देखा, कई मौकों पर विपक्ष के लोगों ने आवाज बुलंद कर करके उन्हें दबाने की कोशिश की,